नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लावा अग्नि 5G वर्सेस इन्फिनिक्स जीरो 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो अग्नि 5G में 6.65 इंच जबकि 05G में 6.64 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। विड्थ की बात करें तो अग्नि 5G में 3.02 इंच जबकि 05G में 3.01 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो अग्नि 5G में 0.36 इंच जबकि 05G में 0.34 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो अग्नि 5G में 204 ग्राम्स जबकि 05G में 199 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो अग्नि 5G में 20:9 जबकि 05G में 20:5:9 मिलता है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.78 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2460 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो अग्नि 5G में 84.33% जबकि 05G में 84.71% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही 396 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो अग्नि 5G में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और 05G की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, टेलीफोटो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो अग्नि 5G में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और 05G की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो अग्नि 5G में माली G57MC2 जबकि 05G में माली G68MC4 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो अग्नि 5G में MediaTek Dimensity 810MT6833 और 05G में MediaTek Dimensity 900MT6877 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 8GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 128GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो अग्नि 5G में 1 कलर्स जबकि 05G में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो अग्नि 5G 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 17,999 रुपीस में मिल जाता है और बात करें 05G की तो वो 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 19,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो लावा अग्नि 5G में 5 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें इन्फिनिक्स 05G की तो उसमें 7 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में अग्नि 5G आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में 05G आगे है।
दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी M51 है, दूसरा शाओमी पोको M2 Pro है, तीसरा ओप्पो A53 2020 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें ओप्पो F17 Pro है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।